दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शरीर में खून की कमी है तो तेजी से खून बढ़ाने के असरदार घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों शरीर की पूर्ण कार्यविधि में खून का बड़ा महत्व होता है, जिसकी मदद से शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन को पहुंचाया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि खून दूषित ना हो और यह साफ रहे। जी हाँ, खून के साफ ना होने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू उपचार लेकर आए हैं जिनकी मदद से खून की सफाई करने में आसानी होगी। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला है हल्दी का दूध। 1 गिलास गर्म दूध में 2 चम्मच हल्दी डालें। रात को सोने से पहले 1 महीने तक हल्दी वाला दूध पीने से खून साफ होता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है। खून को साफ करने के तरीके में हल्दी सबसे उत्तम उपाय है। धनिया पत्ती। धनिया पत्ती का एक गुच्छा ले और उसे 2 गिलास पानी में 10 मिनट तक उबाले। उबालने के बाद बचे हुए पानी को छान ले और स्टोर करके फ्रिज में रख दे। आपको 1 महीने तक इस पानी का सेवन करना है। आप चाहे तो सुबह खाली पेट भी इस पानी को पी सकते हैं। एप्पल साइड विनेगार और बेकिंग सोडा, ये दोनों चीज़ें मिलकर शरीर के पीएच स्तर को संतुलित रखने में मदद करती है। रोज़ सुबह खाली पेट 2 चम्मच एप्पल साइड विनेगार में 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाए। कुछ सेकेंड बाद इस मिश्रण में झाग आने लगते हैं, तब इसे 1 गिलास पानी में मिलाकर तुरंत पी लें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसा करें। नींबू का रस। नींबू का रस खून और पाचन मार्ग को साफ करता है। ये एसिडिक होता है और पीएच लेवल में बदलाव ला सकता है। यह खून से विषाक्त पदार्थों को साफ करने में उपयोगी है। रोज सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ साफ हो जाते हैं। 1 गिलास पानी गुनगुने पानी में 1/2 नींबू निचोड़कर नाश्ते से पहले पिए। नीम। नीम के कई स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल, संक्रामक रोधी और फंगल रोधी गुण रखती है। नीम खून को साफ बनाए रखने में मदद करती है। त्वचा और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी नीम लाभकारी होती है। तुलसी की 5 से 6 पत्तियां ले और उन्हें मसल कर अपने भोजन में डाल ले। आप 1 कप गर्म पानी में 8 तुलसी की पत्तियां डालकर चाय भी तैयार कर सकते हैं।